Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum. I hope aap log theek hain, everything going fine. Probably papers bahut acche ho rahe honge and ek acha result jo hai uski inshallah tawakkul hai. Aaj jo video hai iske piche basic reason ya purpose iska aap ye keh sakte hain ki ek subject jo new scheme mein ICAP ne add kiya with the name Managerial and Financial Analysis, to main us pe aap logon ko thoda sa guide kar dun. At present status kuch aisa hai ki har wo student jiska एग्जिस्टिंग स्कीम में कैप फोर क्वालिफाइड है, चाहे वो इस अटैम्प्ट में है, तो उसे बेसिकली ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज उसे एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी. वो स्टूडेंट्स जो प्रीवियसली कैप में हैं और उन्होंने एट प्रेजेंट कैप फोर क्वालिफाई नहीं किया हुआ, तो उन लोगों ने ये सब्जेक्ट ऐड करना होगा. यहाँ पर दो चीज़ें मैनेज होना होंगी या दो चीज़ें डिस्कसेबल हैं बेसिकली, कि एक कोर्स ये है क्या और क्या ये वो BM जो है उसी को अगर रिप्लेस कर रहा है तो उसके कोर्स कॉन्टेंट्स भी वैसे ही हैं. तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो कोर्स कंटेंट है उसकी अगर हम बात करें तो इसको तीन पोर्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला पोर्शन आप कह सकते हैं कि वो तो ऐसा ही है जैसे ऑलमोस्ट वो BM में था, लेकिन जो रिमेनिंग दो पोर्शंस हैं तो वो बेसिकली BM वाला एरिया उस तरह से नहीं है. इसमें सेकेंड पोर्शन जो है उसमें टिपिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया गया है, कुछ आपका स्टेटिस्टिकल एरिया जो है उसकी एप्लीकेशन जो है बिजनेस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे इंक्लूड किया गया है, और जो लोग कॉस्ट का पेपर मींस कैफेट प्रीवियस जो है वो पढ़ चुके हैं या क्वालिफाई कर चुके हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि आपके पास बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया जो है वो उसमें ऐड किया गया हुआ है. सो वो स्टूडेंट्स जो इस दफ़ा अपीयर हो रहे हैं और कैफ फोर उनका एग्जिस्टिंग वाला क्वालिफाई हो जाता है, तो उनको तो बेसिकली सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हाँ, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते या जिन्होंने अभी तक कैफ फोर अटैम्प्ट नहीं किया, तो उन लोगों को बेसिकली इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना होगा. ऑब्वियसली न्यू स्कीम में तो ये अप्लीकेबल है ही. सो आपको प्रिपेयर उस पॉइंट ऑफ व्यू से होना है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ लोग प्रीवियसली जिन्होंने इस दफ़ा अटैम्प्ट नहीं किया और वो कैफ फोर की क्लासेस ले चुके हैं, तो उनको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसका कोर्स एग्जैक्टली वो कोर्स नहीं है जो कैफ फोर का कोर्स था. सो उन्हें ये चीज़ें फर्दर मैनेज करना होगी. सो थोड़ा सा इसमें आप कह लें कि जो आपका AFC में एक QMS का सब्जेक्ट था उसकी कुछ एप्लीकेशन है, कुछ आप कह लें कि प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़, रिस्क एनालिसिस एट्सेट्रा, तो वो एरियाज बेसिकली इसमें कवर होना रिक्वायर्ड है. सो आई होप एक एप्रोप्रिएट कोर्स है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा सोचने वाला कोर्स जिसको आप कह सकते हैं कि टिपिकली वो जो कुछ सब्जेक्ट्स में है कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स एट्सेट्रा उनको बेस करके तो परफॉर्म किया जा सकता है, तो यहाँ पे शायद ऐसी सिचुएशन नहीं है. कुछ एनालिसिस का एरिया है, सो आपको मल्टीपल सिनेरियोस जो हैं उनको हैंडल करना रिक्वायर्ड हो सकता है.